Our educational channel Law Guru Ashok Gupta presents a lecture series of all law subjects, so subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। होली एक उमंग है, मन की एक तरंग है, सबको जो पसंद है तो गमे दिल खत्म है। होली एक उमंग है, मन की एक तरंग है, सबको जो पसंद है गमे दिल खत्म है। प्यार भरा रंग है, खुमार छड़ी भंग है, खेले सब संग है तो शिक वे भसम है। प्यार भरा रंग है, खुमार छड़ी भंग है, खेले सब संग है तो शिक वे भसम है। होली एक उमंग है, मन की एक तरंग है, सबको जो पसंद है गमे दिल खत्म है। रंगों की ये जंग है, लाल पीले हम हैं, प्यार से जो देखो तो नफरत भसम है। रंगों की ये जंग है, लाल पीले हम हैं, प्यार से जो देखो तो नफरत भसम है। खुशियों के ये बम है जिनमें हम मगन है, होली का दहन में तो पाप भी दफन है। खुशियों के ये बम है जिनमें हम मगन है, होली का दहन में तो पाप भी दफन है। बरसाने की होली में लठ मार जंग है, बरसाने की होली में लठ मार जंग है। वृंदावन की गलियों में बसा श्याम रंग है, वृंदावन की गलियों में बसा श्याम रंग है। पाक के महीने में राधा श्याम संग है, रंग बिरंगे फूलों से महके ये चमन है। फाग के महीने में राधा श्याम संग है, रंग बिरंगे फूलों से महके ये चमन है। ऐसे इस त्योहार में चलो खाएं ये कसम है, अवगुण कोई एक छोड़ते जी हम है, अवगुण कोई एक छोड़ते जी हम है। होली एक उमंग है, मन की एक तरंग है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी को। अभी आपको एक कविता अपने ही शब्दों में लिखी हुई सुनाई, जिसका एक मोरल भी आपको बतलाया कि कोई ना कोई एक अवगुण आप होली पर जरूर छोड़िएगा, ताकि आगे आने वाला भविष्य आपका सुधर सके और अच्छा हो सके। और इसी कामना के साथ आपको होली की शुभकामनाएं दे रहा हूं और ये कविता आपको सुनाई भी है। लेकिन इसी के साथ साथ इस होली को की कविता को सुनाने का एक मकसद मेरा और भी था। इस कविता में मैंने होली के रंगों की बात की, जिसके थ्रू मैं केवल एजुकेशन सिस्टम में आपको बतलाना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तरह होली में हमारे पास लाल पीले रंग, यानी कि कुछ रंग डार्क होते हैं, कुछ रंग ब्राइट होते हैं, बहुत सारे रंगों के कॉम्बिनेशन से हम खेलते हैं और एक अलग ही नए तरीके का रूप निखर कर आता है होली के रंगों में जीवन का। तो उसी तरीके से हमारे करियर में भी एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे ही हैं। इसे कुछ ऐसे ही समझ लीजिएगा कि जैसे आपका एक करियर है, वही जीवन में एक होली की तरह है, जहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ने होते हैं और कुछ सब्जेक्ट वहां पर डार्क होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं। यानी कि कुछ सब्जेक्ट आपकी समझ में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आते, लेकिन फिर भी आप चलते रहते हैं, करते रहते हैं। तो यही आपको बतलाऊंगा कि बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जिस तरह होली के रंगों में आप हर एक कलर को प्यार करते हैं, उसी तरह हर एक सब्जेक्ट को अपनाइएगा ताकि वो आपको अपना सके। उससे होगा क्या, जो आपका जितना भी कॉन्फिडेंस है वो एक बिल्डअप होगा, और जो एक जिस तरीके से एक रंगों के कॉम्बिनेशन से एक नया रूप निखर कर आता है, निखर कर मिलता है लोगों को, ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ जब वो सब्जेक्ट्स, कई सब्जेक्ट्स का एक रूप ब्राइट और डार्क तरीके से आपको मिलेगा, तो एक नए करियर का, एक नई सोच का आरंभ आप कर सकेंगे। तो इसीलिए वही एक चीज आपको बतलानी थी, जिस वजह से होली के एक पावन पर्व पर ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट ना करें। और सब सब्जेक्ट से भले ही आपको कम आता हो, उस पर कम ध्यान दे रहे हो या आप उसे कम समझते हो, लेकिन उसे ऐसे ही समझे जैसे और रंगों को आप समझते हैं और उसे अपना ही माने, तो आपको जल्दी ग्रास्प होगा और जल्दी समझ में आने लगेगा। और ऐसे ही समझ लीजिएगा कि भले ही आपके तैयारी, प्रिपरेशन में पहले भी कहता हूँ, कम हो लेकिन अच्छी हो, तो जो चीजें आपको अच्छी आती हैं उन्हें अच्छा करिएगा, जो चीजें आपको समझ नहीं आती उन्हें बिल्कुल छोड़िएगा मत, उन्हें साथ रखिएगा, ताकि उस कॉम्बिनेशन से एक अपने करियर में एक अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज एक स्टोरी भी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें होता क्या है, देखिए एक आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बड़े ही आपके करियर को बदल देने वाली वीडियो साबित होगी, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो रही है, ये एक स्टोरी रही है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि इससे आपको भी इंस्पिरेशन मिल सके, क्योंकि जो नॉलेज मैंने पाई है वो आपको दे सकूँ और उससे आप भी फायदा ले सकें, यही इस लेक्चर सीरीज का एक मोटिव भी है। तो वही एक स्टोरी, मोरल स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ होली के इस पावन पर्व पर, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार होता क्या है कि नदी और कुएं आपस में मिलते हैं। नदी एक रास्ते से जा रही होती है, वहां एक छोटा सा कुआं पड़ता है, और जब वो जा रहा होता है तो नदी कुएं को देखकर हंस पड़ती है और उसके वजूद का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि यार नदी तेरा मेरे आगे क्या वजूद। तो ऐसा कहते हुए वो आगे निकलती निकलती जाती है और तेजी से बहती जाती है।
कुआं बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। जब कुआं सोच में पड़ता है तो नदी बहती जाती है और नदी उसका मजाक उड़ाती हुई जा रही होती है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हुए चलते हैं और नदी की तरह बड़े वेग से आते हैं और बड़े वेग से चले जाते हैं और हम उनकी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो कुएं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अलग कंडीशन हुई। कुआं डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और जब वो नदी थोड़ी आगे बढ़ी और समुद्र में मिलने लगी तो नदी को कुएं ने रोका और कुएं ने कहा, यह नदी रुक, तूने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मेरा मजाक उड़ाया किन बातों पर था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब नदी कुएं ने नदी से पूछा तो नदी ने बताया था उसे कि तेरे आगे मेरा क्या वजूद, यानी कि आप सभी जानते हैं नदी ने कहा कि मैं इतनी विशाल, मेरे पास इतना जल, मेरा इतना तीव्र वेग और मैं इतनी फैली हुई और इतने लोगों की प्यास बुझाने वाली, तो तेरा वजूद क्या है मेरे आगे। ये कहती हुई वो निकलती हुई चली। कुआं बहुत देर तक इंतजार में बैठा रहा, चुप बैठा रहा, लेकिन जब वो समुद्र में मिलने लगी तो उसने उसे रोका और जवाब क्या दिया ये भी सुन लीजिएगा, शायद आपके करियर को बदल दे। जैसे मेरे भी शायद करियर को बदला तो आपके भी करियर को बदल दे। कुएं ने एक बड़ा ही सौम्य सा जवाब नदी को दिया और नदी से उसी के प्रश्न का जवाब उसी के प्रश्न के तरीके से दिया और बोला कि हाँ तू सही कहती थी कि तेरे आगे मेरा क्या वजूद, मेरे और तेरी तुलना कभी नहीं हो सकती। नदी बड़ी हतप्रभ और उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो कुएं ने मुझे रोका। जब नदी ने पूछा तो कुएं ने बतलाया कि तू सही कहती थी और ऐसा डिफरेंस हमेशा रहेगा और हमेशा तू रखेगी भी और मैं भी चाहता हूँ ये रहे भी। क्यों? क्योंकि कुएं ने एक बात समझ ली थी कि भले ही उसका स्कोप लिमिटेड हो, यानी कि वो बहुत छोटा हो और नदी का दायरा बहुत बड़ा हो, लेकिन कुएं की जो गहराई थी, कुएं की जो सोच की गहराई थी वो बड़ी ही गहरी थी। और उसी के मद्देनजर उसने जवाब भी दिया और उसने कहा कि नदी तू बड़ी तीव्र वेग से आती है और चली जाती है, लेकिन तेरा जो वेग होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और जैसे इंसान ऊपर से नीचे की ओर आता है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे ही तू समुद्र में गिर जाती है और अपने मीठे जल को खारा कर जाती है। जबकि अगर तू कुएं को देखती है, कहीं भी कुआं होता है हम देखते हैं, तो कुएं का जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर की ओर उसका वेग जाता है और जितना ऊपर को वो आता है वो खारा पानी नीचे से निकलता हुआ मीठा होता चला जाता है, ऊपर की ओर आता है। और लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कुआं नदी से बोल जाता है वो ये कहता है कि हाँ तू बड़ी विशाल और तू सबकी प्यास बुझाने उनके घर जाती है, लेकिन मेरे पास प्यासा खुद चलकर प्यास बुझाने के लिए आता है। तेरा और मेरे वजूद में बहुत अंतर है, हम कभी हमारी तुलना नहीं की जा सकती। और इस तरीके से आप देखेंगे तो नदी का वजूद टूट जाता है। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भले ही आपका स्कोप लिमिटेड हो, आप लिमिटेड सब्जेक्ट्स को समझते हो, लेकिन उनकी नॉलेज आपको बहुत गहरी हो, ये आप ध्यान रखिएगा अगर आपको कहीं भी करियर में सफलता पानी है। तो इसी उद्देश्य से इंस्पिरेशनल वीडियो आपके सामने लाया हूँ, आपके साथ लाया हूँ और आपके साथ ये एजुकेशनल वीडियो शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, हैप्पी होली।